हाउ टू इंस्टॉल मैक वेस 12 बूट, या आप ये भी बोल सकते हो कि हाउ टू इंस्टॉल हैकिंटोश 12 बूट। यानी कि इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि विंडोज लैपटॉप में आप कैसे हैकिंटोश या मैक वेस को इंस्टॉल कर सकते हो 12 बूट में। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई मैक वेस के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे वर्चुअल बॉक्स में मैक वेस को इंस्टॉल किया जा सकता है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। और अभी बना रहे हैं दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर में विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो चाहे विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो या विंडोज़ 8 हो, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे मैं विंडोज़ 11 के साथ कर रहा हूँ क्योंकि विंडोज़ 11 नया है और इसको चलाने का अलग ही मज़ा है। तो विंडोज़ 11 के साथ मैं यहाँ पे मैक ओएस को ड्यूअल बूट करने वाला हूँ। लेकिन आपका अगर विंडोज़ 10 है या 8 है तो प्रोसेस सेम रहेगा। अब मैक ओएस को अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल करना बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये करने से पहले आप इस वीडियो को दो बार या तीन बार अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद जो इस प्रोसेस को अपना कंप्यूटर के साथ करो। और मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले अपना कंप्यूटर का एक बैकअप ले लें। बैकअप कैसे लेना है, इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको एक बार देख के अपना कंप्यूटर को बैकअप ले लो। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आपका कंप्यूटर GPT और UEFI को सपोर्ट करना चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस करें, नहीं तो ये प्रोसेस सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को आगे पीछे करके इधर उधर करके देख तो लेते हैं, फिर उसके बाद कमेंट में आके पूछते हैं भाई ये होगा वो होगा। तो भाई मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर करके रखा हुआ है, आप वीडियो को देखो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करना है। डाउनलोडिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पैरागन HFSC मैक ओएस का DMG फाइल और यहाँ पे मल्टीविस्ट और ट्रांसमैक और विनरार, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये जो पैरागन HFSC है, ये आप अभी ओपन नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए विनरार एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। यस कर लो, फिर सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको इंस्टॉल कर लो, ओके पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे डन ओके कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए ये भी अभी ओपन पे दिखा रहा है, तो ये जो फोल्डर रहेगा क्लोज कर दीजिए। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सटर्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको ओपन करूँगा डबल टैप करके। फिर यहाँ पे इसको क्लोज करके फिर यहाँ पे जो सेटअप फाइल है इसको रन करेंगे, यानी कि इंस्टॉल करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एक्सेप्ट करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट 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 फिर इंस्टॉल। ये इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा आपको यहाँ पे रन पे नहीं ऐसे करके अनचेक करके फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। फिर ये जो पैरागॉन HFSC इसको ओपन करेंगे और इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको 123 डालना है। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो पैरागॉन HFSC इसका फोल्डर में जाना है, सेटअप में आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे स्टार्ट ट्रायल 10 डेज ट्रायल पे आपको क्लिक कर देना है। आप चाहे तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन की दिया हुआ है, आप उसको चेक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टार्ट 10 डेज ट्रायल पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दे रहे हैं। अभी यहाँ पे मैनुअली रिस्टार्ट लेटर कर दे रहे हैं, यहाँ पे नो कर दे रहे हैं, फिर ठीक है, फिर क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पे अभी जितना सा काम था लगभग हो चुका है। अभी इस फोल्डर को मिनिमाइज करेंगे, फिर दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे, फिर यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। बाकी यहाँ पे देखिए मेरा सिर्फ एक ही सी ड्राइव है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा सिर्फ एक ही ड्राइव है और लेकिन ये जो पार्टीशन है GPT में है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, किसी भी एक ड्राइव, अगर आपका मल्टीपल ड्राइव है, किसी भी एक ड्राइव से मिनिमम आपको 120 GB जगह ले लेना है, नहीं तो ये कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। आपको भी ऐसा करना है, जिस ड्राइव से आप जगह निकालना चाहते हो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 121 GB लूँगा क्योंकि मिनिमम 120 GB लेंगे तब भी काम आएगा। ये जो वैल्यू है ये है 21 GB का, आपका अगर 20 GB है तो कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा। फिर श्रिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 21 GB का एक अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अनएलोकेटेड स्पेस, इसके ऊपर राइट क्लिक करके फिर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्रिएट करेंगे, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का नाम हम लोग दे देंगे मैक ओएस ड्राइव। ये नाम देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये ड्राइव क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे भी नोटिफिकेशन दिखा दिया है।
दिस पीसी में जाके एक बार कंफर्म कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक मैक ओएस ड्राइव क्रिएट हो चुका है। फिर अब दोस्तों यहाँ पे ये जो HFS पैरागॉन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो 3 डॉट है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट न्यू वॉल्यूम, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट न्यू वॉल्यूम इस पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे वो वाला ड्राइव। यहाँ पे देखिए मैक ओएस ड्राइव हम लोगों ने जो क्रिएट किया था इसको सिलेक्ट करेंगे। आप अगर रीनेम नहीं करके रखे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो ड्राइव आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो यानी कि फॉर्मेट करना चाहते हो उस ड्राइव को रीनेम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे मैक ओएस ड्राइव सिलेक्ट किया हूँ। फिर यहाँ पे जो ड्राइव है इसका नाम यहाँ पे फिर से आपको डालना है। यहाँ पे मैक ओएस डिस्क लिख दिए। फिर यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है, डन पे क्लिक करेंगे। फिर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये जो फाइल हम लोगों ने मिनिमाइज किया था इसको भी क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे कंप्यूटर को जो है एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। देखिए ये कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट हो चुका है। अभी फिर से पैरागॉन HFSC को ओपन करेंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो ड्राइव हम लोगों ने क्रिएट किया था जिसको माउंट किया था यानी कि फॉर्मेट किया था मैक ओएस के लिए, तो यहाँ पे ये मैक ओएस डिस्क नाम पे ये माउंट हो चुका है। यहाँ पे अनमाउंट ऑप्शन दिखा रहा है यानी कि यहाँ पे ये माउंट हो चुका है। तो अभी इसको क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपको एक पेन ड्राइव अपना कंप्यूटर में इंसर्ट करना है। यहाँ पे मिनिमम आपका 16 GB पेन ड्राइव होना चाहिए। मेरे पास 16 GB पेन ड्राइव है। 16 GB के नीचे होगा तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपको यहाँ पे जो ट्रांसमैक एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है डबल टैप करके। फिर यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना है क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है, फ्री में हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। देखिए उसके बाद यहाँ पे जो डिस्क दिख रहा है यहाँ पे सैनडिस्क का मेरा पेन ड्राइव है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट डिस्क फॉर मैक इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। पेन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर यहाँ पे फॉर्मेट डिस्क फॉर मैक पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका पेन ड्राइव का नाम दे देना है। यहाँ पे मैंने दे दिया है मैक ओएस USB, इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना है। देखिए दोस्तों जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे ये जो मैक ओएस USB है रेडी हो गया यानी कि फॉर्मेट हो चुका है। और यहाँ पे भी फॉर्मेट कम्प्लीट दिखाएगा तो ओके पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे पेन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रजिस्टर विद डिस्क इमेज इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ब्राउज में क्लिक करके आपको ये जो मैक ओएस फोल्डर है जिसमें हम लोग यहाँ पे ये मैक ओएस हाई सेरा को रखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे डेस्कटॉप में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आप जहाँ पे ये रखा हुआ है मैक ओएस हाई सेरा इसको सिलेक्ट करके फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ओके करेंगे। फिर यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक टाइम लग सकता है, आपको इंतजार करना है। देखिए जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे दिखाएगा रजिस्टर कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे भी शो हो जाएगा ये मैक ओएस का जो यहाँ पे नाम है ये सायरा दिखाएगा। तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता है और इसको क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों आपको दिस पीसी को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए एक दो फोल्डर यहाँ पे नया क्रिएट हुआ है, आपको इसको ओपन करना है। ये 196 MB का यहाँ पे बूट लोडर, मेरे केसेस में यहाँ पे ये बूट लोडर नाम का है, आपके केस में दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 196 MB का ही होगा। उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और फोल्डर का नाम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाल दीजिए। फिर इसको ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैक ओएस का जो फोल्डर है जहाँ पे सब कुछ डाउनलोड किया हुआ है इसको ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो मल्टी विस्ट हाई सेरा ये एडिशन जो है इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। फिर इसको क्लोज करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो चुका है, अभी इसको क्लोज कर देंगे। अभी यहाँ पे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करके बायोस मेनू में जाना है। बायोस मेनू को कैसे एक्सेस करना है इसके लिए आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो, इसको आप रेफर में ले सकते हो। इसके बाद भी अगर पता नहीं चल रहा है तो अगर गूगल पे ट्राई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन इनेबल है तो उसको ऐसे डिसेबल कर देना है। अगर आपका कंप्यूटर में ऐसे CFG लॉक ऑप्शन है तो उसको आप डिसेबल करके रखिए। अगर आपका कंप्यूटर में सिक्योर बूट इनेबल्ड है तो उसको आप डिसेबल कर दीजिए। सिक्योर बूट डिसेबल करने के बाद आपको यहाँ पे ओएस टाइप में अदर ओएस सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपका कंप्यूटर में अगर IO चिप यहाँ पे इनेबल्ड है तो ये जो IO सीरियल पोर्ट है इसको आपको डिसेबल कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों XHCI हैंड ऑफ ये जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे इनेबल होना चाहिए। अभी आपको ये देखना है कि आपका कंप्यूटर में USB 3.0 मोड ये अगर ऑटो पे है या इनेबल है तो इसको आपको डिसेबल कर देना है। ये सारा सेटिंग्स कर देने के बाद आपको अपना कंप्यूटर को पेन ड्राइव को देकर के बूट करवाना है, यानी कि आपको अपना कंप्यूटर का बूट मेनू को एक्सेस करना है। बूट मेनू में कैसे जाना है इसके लिए आप स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हो, उसको आप हेल्प में ले सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर में बूट की दबाने के बाद ये जो पेन ड्राइव है आपको शो नहीं हो रहा है यानी कि कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो आप कंप्यूटर को फिर
से बंद करिए, कंप्यूटर को फिर से बंद करने के बाद उसको ऑन करिए और बूट की जगह आप बायोस की दबाइए। बायोस की के लिए आपका कंप्यूटर का बायोस की कौन सा है, इसके लिए स्क्रीन पे जो फोटो आ रहा है उसको आप ध्यान से देख लीजिए तो आपका कंप्यूटर का बायोस की क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो आप एक बार गूगल कर लीजिए। बायोस मेनू में जाने के बाद आपको एक की ढूंढना है जहाँ पे बूट की डिसेबल लिखा हुआ है, उसको डिसेबल से लेकर इनेबल कर देना। बटन प्रेस करके आप सेव करके निकल जाइए और पेन ड्राइव ऐसे ही बूट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर का बूट मैनेजर पे चले जाओ। बूट मैनेजर पे जाने के बाद एंटर प्रेस कर देने के बाद आपको यहाँ पे बहुत ऑप्शंस दिख जाएगा विंडोज बूट मैनेजर। फिर यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में से यहाँ पे ये जो सैंडिस्क आपका जो पेन ड्राइव है उसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। इस ऑप्शन पे यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शंस पे आने के बाद एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। सब कुछ यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे आपको टाइप करना है ग्राफिक्स इनेबलर इक्वल टू यस। फिर एंटर प्रेस करना है। फिर आपको नीचे आके रिटर्न पे एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ से बूट मैकवेस फ्रॉम एपकिन तो सिराजुन इसको सिलेक्ट करके फिर एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको बूट मैकवेस विथ सिलेक्टेड ऑप्शन स्पेस बार को प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपका कुछ कोडिंग वगैरह होगा, आपको इंतजार करना है। फिर यहाँ पे एप्पल का लोगो दिखाई देगा, आपको यहाँ पे भी इंतजार करना है। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे यूटिलिटीज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको टर्मिनल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको सेम टाइप करना है डेट इक्वल टू जो यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा है इसको आपको टाइप करना है। फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है। फिर टर्मिनल को आपको क्विट कर देना है। फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे एग्री ऑप्शन पे सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे आपको मैक वेस डिस्क सेलेक्ट करना है जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना है, आधा घंटा लग सकता है। फिर ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है, फिर अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना है, थोड़ा सा कोडिंग वगैरह होगा, फिर से आपको वेट करना है। फिर यहाँ पे भी आपको यूएसबी को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शंस पे आने के बाद एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको सब कुछ काट के ग्राफिक्स इनेबलर इक्वल टू यस टाइप करके एंटर प्रेस करके नीचे आके रिटर्न पे सिलेक्ट करना है। फिर एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको बूट विथ सिलेक्टेड ऑप्शंस को स्पेस बार को टैप करना है। फिर से बाकी का जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली होता रहेगा, आपको इंतजार करना है। फिर यहाँ पे इस वाला स्क्रीन पे आपको सेटअप क्लिक करना है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सेटअप वगैरह कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अभी आपको इंतजार करना है। सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेटअप होगा, कुछ नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे मेन्यू में आके आपको क्लोवर कॉन्फ़िगरेटर इसको ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपको माउंट EFI ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर EFI फोल्डर को ओपन करना है। फिर यहाँ पे क्लोवर में जाना है। फिर क्लोवर लिस्ट इसको ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपको सेटअप कर देना है आपका UI यानी कि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, ग्राफिक्स ये कौन सा है, जो ड्राइवर आपको लगेगा यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर आपको मैनुअली आपको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेंगे कि USB जो पेंडेंसी है उसको यहाँ पे हटाने के लिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग वगैरह हो आपको फिर से करना है और जो जो स्टेप मैंने पहले किया था उसको फिर से अभी करना है आपको। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे ग्राफिक्स इनेबलर डॉट इक्वल टू यस पे क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे एंटर हो जाना है। फिर अब ये जो है फाइनली बूट हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, UEFI फोल्डर से ये जो मल्टीविस्ट सेरा एडिशन है इसको डेस्कटॉप पे लाएंगे। फिर उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पे मल्टीविस्ट इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है, डबल टैप करना है। फिर ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको चुन चुन के एक एक क्विक स्टार्ट ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको ड्राइवर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो जो ड्राइवर लगेगा आपको सेलेक्ट करने के बाद फिर अभी इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो जैसे इंस्टॉल कम्प्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पर सब कुछ स्मूथली रन करेगा। यार उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज़ और चोचो रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपना चैनल में अपलोड करता रहा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका भी मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लेट मी नो। आपका ये कमेंट पढ़ के ना मुझे नया नया वीडियोस बनाने का आइडिया मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है। तो इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।